हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द मिरर क्लियर है तो स्टार्ट करते हैं हम लोग विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन द कनक्यो मिरर क्वेश्चन क्या है अ कनक्यो मिरर यूज फॉर द रेयर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज योर थ्री मीटर क्लियर है इफ़ बस इज लोकेटेड एट फाइव एम एम फाइव मीटर फ्राम दिस मिरर फाइंड द पोजिशन नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज देखो बेटा क्वेश्चन जब भी आप पढ़िए क्वेश्चन का सेंस और मीनिंग एकदम क्लियर होना चाहिए कौन सा मिरर हम यूज कर रहे हैं वी आर यूजिंग द कनक्यो मौन सा मिरर यूज कर रहे हैं कौनक्यो तो ये हो गया कनक्यो मिरर क्लियर है और आपको मालूम है इस कनक्यो मरर दिस मन इज योर रेडिस ऑफ कर्वेचर दिस इज योर रेडियस ऑफ कर्वेचर यस या नो ओके और ये क्या है इसका पोल है और दिस यूर सेंटर ऑफ कर्वेचर सी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना इसका दिया रेडियस इसका थ्री मीटर दिया है क्लियर है ऑब्जेक्ट जब भी होगा इसके ठीक सामने होगा हमने एज्यूम कर लिया कि बस यहाँ कहेंगे दिस इज योर बस ओके okay? बस इज़ लोकेटेड फाइव मीटर फ्रॉम द मिरर मिरर से फाइव मीटर के डिस्टेंस पे बस आपका है आई बात समझ में ऐसे केस में इमेज कैसे ड्रॉ होगा अभी हम न्यूमेरिकल डिजिट बाद में कैलकुलेट करेंगे ये हमने क्या किया पहले पैरल रेज लिया पैरल रेज जब भी आएंगे इंसिडेंट होंगी रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा लगेगा कि वो पास कहाँ से कर रही है फोकस से ओरिजिनेट हो रही है आई बात समझ में तो बस योर फोकस दिस इज मिड पॉइंट ऑफ दी एंड पी तो जब रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइट लगेगा कि ये कहां से निकल रही है फोकस से निकल रही है तो पहला रेज हो गया दूसरा रेस हम लेते हैं जो कि पोल से पास करे कहाँ से पोल से तो जिस एंगल से आई है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होगी यस या नो आई बात समझ में तो इसका मतलब क्या है रिफ्लेक्शन के बाद देखो ये रेस डाइवर्जिंग है ये भी डाइवर्जिंग है ऑब्वियसली ये वर्चुअली मीट कराएंगे इसको हम तो वर्चुअल मीट कराओगे तो यहाँ पर इमेज बनेगा एंड इमेज इज योर वर्चुअल इमेज आई बात समझ में तो अगर ये ऑब्जेक्ट ए बी है उसका ये वर्चुअल इमेज ए डैस b डैश बनेगा आपको यह पता करना है पोजीशन ऑफ इमेज पोजीशन यहां पे पूछ रहा है इस v की वैल्यू पूछ रहा है ठीक है नेचर ऑफ इमेज ऑब्वियसली जैसे आपको दिख रहा है कैसा है वर्चुअल एंड इरेक्ट आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले दिखे डायग्राम अगर आपको बनाना आता है तो नेचर क्या होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट साइज क्या होगा ऑब्वियसली स्मॉलर देन दब्जेक्ट क्लियर है तो ये साइज से दिख रही है अब हमें क्या करना है फॉर्मूला लगा करके एग्जैक्ट पोजिशन फाइंड आउट करना है क्लियर है तो फार्मूला आपको पता है फॉर्मूला क्या है अपॉन अपॉन एफ इज इक्वल टू वी प्लस यू यस या नो और दूसरा फॉर्मूला आपको मालूम है मैग्नीफिकेशन का एम इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू माइनस का वी बाई यू और तीसरा फॉर्मूला है एफ इज इक्वल टू आर बाई टू इन तीन फार्मूले को यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करना है अब क्वेश्चन अकॉर्डिंगली यहाँ पे दिया है रेडियस ऑफ करवेचर आर इज योर थ्री मीटर और मीनर कौन सा कॉनकेव तो ये माइनस का हो जाएगा नहीं कॉन्वेक्स मिनर है तो प्लस का हो जाएगा क्लियर है तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा आर बाई टू दैट इज योर प्लस का वन पॉइंट फाइव मीटर इज योर फोकल लेंथ आ गया आपका क्लियर है फॉर्मूला वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन वी निकालना है आपको प्लस वन बाई यू जो कि गिवन है तो फोकल लेंथ क्या हो गया 1 upon 1. इज है. है? तो यू इज ऑलवेज निगेटिव बताया था मैंने आपको तो U इज योर निगेटिव ध्यान रखना है कहाँ प्लस लेना है कहाँ माइनस लेना है इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बना करके अपलोड कर रखा है आप उसको देखिए साइन कन्वेंशन इसके जस्ट पहले वाला वीडियो क्लियर है तो U की वैल्यू गिवन है इसमें ना U इज गिवन माइनस का फाइव येस yes नो no? तो इस माइनस का फाइव इधर लेके आओगे तो वन अपॉन वन पॉइंट फाइव प्लस का वन बाई फाइव हो जाएगा यस नो इक्वल टू वन बाई वी क्लियर है इसको ऐसा लिख सकते हो कि जीरो हम रख दो और ये डेसिमल हट जाएगा आपका ये yes नो no? तो इस डेसिमल को हमने देखो यहाँ से हटा दिया क्लियर है डेसिमल को हटा दिया तो क्या हो गया फिफ्टीन हो गया यस एनो नो ओके अब देखो इसका एलसीएम कितना होगा 15 और 5 का 15 ही एलसीएम होगा ये हो गया टेन और फाइव थ्री फिफ्टीन तो प्लस का थ्री टू वन बाई वी यस नो आर यू कैन से वन अपॉन वी इज इक्वल टू थर्टीन बाईन बाई थर्टीन दिस इज योर वी अच्छा वी देखो पॉजिटिव आ रहा है तो प्लस का मतलब क्या हुआ इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर तो ये आएगा वन पॉइंटीन थर्टीन होता है तो वन पॉइंट वन 1.1 uh, मीटर ही लिख दो उसके आगे का रिजल्ट लिखने की जरूरत नहीं है तो वी इज योर वन पॉइंट वन मीटर क्लियर है तो अल्टीमेटली पोजिशन मिल गया ऑब्जेक्ट का दूसरा कह रहा है नेचर क्या होगा नेचर जब भी आपको कैलकुलेट करना हो यू हैव टू कैलकुलेट मैग्नीफिकेशन मैग्नीफिकेशन क्या है माइनस का वी बाई यू वी इज योर प्लस का वन पॉइंट वन वन पॉइंट वन वन पॉइंट वन डिवाइड बाई यू कितना है माइनस का फाइव तो दिस इज योर माइनस माइनस प्लस ओके जीरो पॉइंट फाइव टू जो टेन जीरो पॉइंट टू टू इज योर मैग्नीफिकेशन तो मैग्नीफिकेशन अगर ऐसा आ रहा है तो क्या देख रहे हो एम पॉजिटिव है पॉजिटिव का मतलब है इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट वर्चुअल एंड इरेक्ट यस या नो वी एंड आई लिख सकते हो वर्चुअल एंड इरेक्ट दूसरा एम की वैल्यू एक से कम आ रही है तो एम अगर लेस देन वन है तो इसका मतलब इमेज क्या होगा स्मॉलर क्लियर है आई बात समझ में और हमने डायग्राम बना लिया तो इस क्वेश्चन में फाइनली आप कैसे लिखोगे नेचर ऑफ इमेज जो इन सबको आप ऐसे लिखोगे ध्यान समझिएगा यू हैव टू राइट एज वी नो एम इज योर पॉजिटिव इसका मतलब क्या होगा इमेज इज वर्चुअल एंड इक्ट है और एम इज लेस देन वन क्योंकि जीरो पॉइंट टू टू है तो इसका मतलब क्या हुआ साइज ऑफ इमेज इज स्मॉलर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट आई बात समझ में तो दिस इज अ वे ये एक मास्टर क्वेश्चन बन सकता है अगर यहां पे मैं आपको दे दूं एक क्वेश्चन और इसी लिख दो इफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज टेन सेंटीमीटर बस है तो टेन सेंटीमीटर ही लोगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमने कह दिया सपोज uh, करो टू मीटर है कितना है टू मीटर फाइंड हाइट ऑफ इमेज क्लियर है तो फॉर्मूला क्या है एम इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ जिसकी वैल्यू आपने कैलकुलेट कर दिया कितना जीरो पॉइंट टू टू यस एनो तो हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा जीरो पॉइंट टू टू इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जीरो पॉइंट टू टू इंटू टू जीरो मिरर के अंदर दिखाई देगा अब ये क्वेश्चन बन गया मास्टर क्वेश्चन अब इससे बाहर सीबीएसई के एग्जाम में बोर्ड के एग्जाम में नहीं आ सकता क्यों क्योंकि आपने हो सब कुछ कैलकुलेट कर दिया आपने पोजिशन ऑफ इमेज कैलकुलेट किया नेचर ऑफ इमेज कैलकुलेट किया हाइट ऑफ मिस फाइंड आउट किया आपने रे डायग्राम भी बना दिया इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बन सकते तो यू कैन से दिस इज अ मास्टर क्वेश्चन फॉर सीबीएसई एग्जामिनेशन अगर इसको दो तीन बार आप रिपीट कर दोगे इस वीडियो को तो आपको सीबीएससी में इससे बाहर कॉन्वेक्स मिरर क्वेश्चन नहीं आ सकता क्लियर है सिमिलरली वी हैव टू मूव टूवर्ड्स दी कॉनिक्यो मिनर कॉनिक्योर की तरफ चलते हम लोग आइए सेम दिस इज ऑल्सो द मास्टर क्वेश्चन कैसे ध्यान सुनिएगा

ड्रॉइड्स रेड तो क्या बन जाएगा मास्टर क्वेश्चन फिर से बन जाएगा कॉनकेव केस के में तो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका सुनो सबसे पहले आप लिखो गिवन डेटा क्या क्या गिवन है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फोर सेंटीमीटर और यू माइनस का ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर ओके मिरर का फोकल दिया है कॉनकेव मिरर है तो माइनस का फिफ्टीन सेंटीमीटर नो और कुछ दिया है नहीं पूछ क्या रहा है आस्टिंग डेटा क्या है आस्टिंग डेटा एक तो वी पूछ रहा है आपसे पोजिशन ऑफ इमेज फिर मैग्निफिकेशन पूछ रहा है इनडायरेक्टली नेचर ऑफ इमेज का मतलब मैग्निफिकेशन पूछ रहा है साथ साथ में हाइट ऑफ इमेज पूछ रहा है आपसे और लास्ट में हम इसे बोल रहे हैं ड्रॉ इट्स रे डाइग्राइबस तो ये चार चीजें आपको पूछ रही हैं इसी अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं क्लियर है आपका गिवन डेटा हो गया आस्किंग डेटा हो गया फार्मूला क्या क्या यूज़ करेंगे पहले फार्मूला ले दूँ फार्मूला यूज इससे क्या होता है सीबीएसई में आपको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं फार्मूला यूज फार्मूला क्या क्या यूज है पहला फार्मूला वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन वी प्लस वन बाई यू दूसरा फार्मूला एम इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू माइनस का वी बाई यू अब सुनिए और तीसरा फार्मूला आपका है एफ इज इक्वल टू R by 2. पहले फॉर्मूला ही लिख आप आई बात हुआ इसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं क्लियर है तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले पहले हम लोग कैलकुलेशन लो करते हैं देन वी स्टार्ट द ड्रॉ डायग्राम क्लियर है तो क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करेंगे ध्यान से देखिएगा फॉर्मूला गिवन है कितना है फोकल लेंथ इज गिवन फिफ्टीन सेंटीमीटर माइनस का वन बाई फिफ्टी इज इक्वल टू वन अपॉन वी इज आस्किंग और यू आपको गिवन है यू इज हाउ मच माइनस का ट्वेंटी फाइव न तो प्लस वन अपॉन माइनस का ट्वेंटी फाइव येस ये नो इसको लेफ्ट हैंड साइड लाओगे तो माइनस का फिफ्टीन प्लस का वन बाई ट्वेंटी फाइव हो जाएगा इज इक्वल टू वन बाई वी ये नो और पच्चीस सौ पंद्रह कैल्सियम दैट योज से माइनस थ्री नहीं दट इज योर माइनस का फाइव और प्लस का थ्री इक्वल टू वन अपॉन वी ये नो तो माइनस का टू बाई सेवेंटी फाइव इक्वल टू वन बाई वी और यू कैन से वी इक्वल टू माइनस का सेवेंटी फाइव बाई टू डेट इज योर थर्टी सिक्स पॉइंट फाइव माइनस का इन सेंटीमीटर माइनस का मतलब क्या हुआ जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड आपका इमेज बन रहा है वी क्लियर है तो दिस इज योर फर्स्ट आंसर ये आपका पहला आंसर आ गया वी इज इक्वल टू दिस वैल्यू क्लियर है पहला आ गया कि वेयर वी हैव टू प्लेस द स्क्रीन टू फॉर्म द क्लियर इमेज पहला आंसर क्लियर हुआ दूसरा आंसर क्या होगा मैग्निफिकेशन एम इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू माइनस का वी बाई यू ओके माइनस का वी बाई यू का मतलब क्या हुआ वी इज ऑलरेडी गिवेन वी कितना है माइनस का 75/2 जिसे आपने 36.5 लिखा है यस ये नो डिवाइड बाय माइनस का 25 ये माइनस ये माइनस कट गया लेकिन तीसरा माइनस बच गया 25 3 75 हो गया तो ये क्या आ जाएगा 3/2 लेकिन क्या माइनस का साइन तो ये क्या हो गया माइनस -1.5 आ गया आई बात समझ में माइनस का 1.5 माइनस का 1.5 का मीनिंग क्या है ये आपको नेचर बताएगा और साइज के लिए हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे M इक्वल टू माइनस का 1.5 इसका मतलब माइनस को अलग रीड करना है 1.5 को अलग रीड करना है M क्या है नेगेटिव नेगेटिव का मतलब होता है इमेज इज योर रियल एंड इनवर्टेड आई बात समझ में और <coughs> M इज ग्रेटर देन वन यस नो एक से बड़ा है M इज ग्रेटर देन वन ना अगर एक से बड़ा है इसका मतलब क्या हुआ साइज ऑफ इमेज समझ में साइज ऑफ ऑफ ऑब्जेक्ट इज लार्जर देन साइज ऑफ लार्जर देन ऑब्जेक्ट आई बात समझ में दूसरा पूछा गया क्वेश्चन में आपसे ये हो गया नेचर ऑफ इमेज दिस इज योर नेचर ऑफ इमेज नेचर ऑफ इमेज क्या आ गया नेचर ऑफ इमेज पहला रियल एंड इनवर्टेड दूसरा लार्जर देन ऑब्जेक्ट क्लियर है तो पोजीशन निकाल दिया हमने थर्टी सिक्स पॉइंट फाइव नेचर बता दिया हाइट ऑफ इमेज बताना है तो एम इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ दैट इज योर माइनस का थ्री बाई टू है एच आई अपॉन एच ओ एच ओ की वैल्यू एच आई इज इक्वल टू क्या होगा माइनस का थ्री बाई टू इन टू एच ओ एच ओ आपको दे रखा है थ्री बाई टू इंटू फोर है तो क्या आ गया आपका माइनस का सिक्स सेंटीमीटर तो हाइट ऑफ इमेज आपको मिल गया माइनस का मतलब इमेज कैसा है इनवर्टेड इमेज बन रहा है तो ये सारे पार्ट हो गए बस बचा एक लास्ट पार्ट रे डायग्राम ठीक है तो बहुत ध्यान सुनिएगा बड़ा इंटरेस्टिंग है अगर रे डायग्राम आपने ड्रॉ कर लिया इसका मतलब आपको इस क्वेश्चन का दिस इज योर मास्टर क्वेश्चन आपको सारा क्वेश्चन आ गया मास्टर क्वेश्चन का क्लियर है तो स्टार्ट करते हैं दिस इज योर कनक्यो मिल क्लियर है

ऑब्जेक्ट यहां कहीं है बीच में सी और F के बीच में है तो दिस इज योर ऑब्जेक्ट आई बात सुनिए ए बी इमेज कैसे ड्रॉ करोगे इसका हाउ वी कैन ड्रॉ द इमेज के लिए हम थोड़ा डिफरेंट कलर यूज करते हैं ये आपका पैरल रेज लोगे पहले जो कि कहां से पास करेगा फोकस से दूसरा कहां से लोगे पोल से जो कि कहाँ से पास करेगा उतने ही एंगल से जिस एंगल से वो आया हुआ था इमेज कहाँ बनेगा यहाँ कहीं जाकर करके इमेज बनेगा दिस पॉइंट इमेज इज फॉर्म्ड एट दैट पॉइंट क्लियर है और इस इमेज इमेज यहाँ आपका बनेगा क्या इमेज इज फॉर्म्ड हियर दे मीट रियली ये रियल मीट कर रहे हैं तो इमेज भी क्या होगा रियल एंड इनवर्ट तो दिस इज रियर डायग्राम इसमें गलती ये हुई है कि आप एरो जब तक नहीं बनाओगे पता कैसे लगा रिफ्लेक्टेड रेज कौन सा है तो ये जो डिस्टेंस मिलेगा अगर आपने स्केल पेंसिल इरेजर और कंपस यूज करके बनाया है तो ये एग्जैक्ट वही डायमेंशन आएगा जो आपने कैलकुलेट किया है आई बात समझ में इज इट क्लियर तो दिस योर रे डायग्राम ओके फॉर दी कनक्यू मीटर तो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो द मास्टर क्वेश्चन बेस्ड ऑन दी कनक्यू मीटर क्लियर है अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे <coughs> अब ये जनरल क्वेश्चन है वो क्वेश्चन रिपीट ही होंगे क्योंकि वो दो क्वेश्चन जो मैंने आप बताए हैं दीज आर द मास्टर क्वेश्चन इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन ठीक है एन ऑब्जेक्ट ऑफ फाइव सेंटीमीटर इन लेंथ या हाइट प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ ट्वेंटी सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर थर्टी सेंटीमीटर सो एवरीथिंग इज गिवन फाइंड पोजिशन ऑफ द इमेज एंड नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज ड्रॉइड कर दिया तो मास्टर क्वेश्चन फिर से बन गया तो अब क्या देख रहे हो वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है क्या दिया है एन ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है कितना फाइव सेंटीमीटर प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ ट्वेंटी सेंटीमीटर तो यू कितना दे दिया है माइनस का ट्वेंटी सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है तो फोकल लेंथ क्या होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव होगा इसका मतलब फिफ्टीन सेंटीमीटर ये भी आ गया फाइंड द पोजिशन वी निकालना है आपको मैग्निफिकेशन मतलब नेचर और नेचर बता दोगे और आ, इसका बिहेवियर बता दोगे और हाइट ऑफ इमेज निकालना है आपको देखो वही क्वेश्चन रिपीट हो गया कि नहीं हो गया क्लियर है तो आप रे डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो रे डायग्राम एक ही रे डायग्राम बनेगा जो हमने पहले बनाया था सेम एज इट इज रे डायग्राम बनेगा फॉर्मूला कौन कौन से यूज करोगे फॉर्मुला पहला ही फॉर्मुला ले लो वन अपॉन एफ इज टू वन अपॉन वी प्लस वन बाई यू

तो यू कैन से वी इज इक्वल टू सिक्सटी बाई सेवन आई बात समझ में सेंटीमीटर सिंप्लीफाई कर दो सेवन एट पॉइंट सोरी फोर्टी सिक्स एट पॉइंट फाइव सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेट वी इज इक्वल टू एट पॉइंट फाइव सेंटीमीटर प्लस का इसकी वैल्यू आ गया ठीक है दिस इज योर पोजिशन ऑफ द इमेज ठीक है नेचर पूछ रहा है नेचर के लिए क्या करोगे यू हैव टू कैलकुलेट मैग्नीफिकेशन एम इज इक्वल टू माइनस का वी बाई यू तो वी इज योर माइनस का दिस यूर एट पॉइंट फाइव एंड इज योर ट्वेंटी तो यू कैन से माइनस का जीरो पॉइंट एट फाइव डिवाइड बाई टू और दिस योर माइनस का ज़ीरो पॉइंट फोर टू सेंटीमीटर देखो कितना छोटा इमेज बन रहा है ऑब्जेक्ट का आई बात समझ में ये माइनस है और यहां ये माइनस है ये माइनस है ये माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस प्लस नो माइनस माइनस हो जाएगा ये ध्यान रखना है आपका तो मैग्निफिकेशन क्या है पॉजिटिव पॉजिटिव का मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट ठीक है और एम की वैल्यू लेस देन वन है तो इट मीन्स इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट तो नेचर ऑफ इमेज क्या लिखोगे नेचर ऑफ इमेज नेचर ऑफ इमेज क्या लिखोगे पहला वर्चुअल एंड इरेक्ट यस नो दूसरा क्या लिखोगे साइज में स्मॉलर इन साइज यस और कहां बन रहा है पी एंड एफ के बीच में बिटवीन पी एंड एफ यस नो आई बात समझ में दिस योर नेचर ऑफ इमेज अब आपसे रे डायग्राम बोलता है तो ड्रॉ करो तो रे डायग्राम के लिए जो डायग्राम आपने पहले बनाया था दिस वन डायग्राम यू कैन ड्रॉ सेम डायग्राम ये जो डायग्राम आपने बनाया था सेम डायग्राम आपको बनाना है बस ये जहां फाइव सेंटीमीटर है वहां हो जाएगा ट्वेंटी सेंटीमीटर फाइव मीटर वहां ट्वेंटी सेंटीमीटर हो जाएगा जो वी फोकल लेंथ इसका थ्री पॉइंट फाइव मीटर दिया है वहां फिफ्टीन सेंटीमीटर आपका फोकल लेंथ हो जाएगा तो सेम डायग्राम यू हैव टू ड्रॉ इन इन योर नोटबुक दिस केस क्लियर है आई बात समझ में तो कन्वेक्स के जितने भी क्वेश्चन अब आएंगे इसी बेस्ड होंगे तो आपके लिए दो क्वेश्चन हैं यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन दिस इज बेस्ड ऑन दी कनक्योमीटर ऑब्जेक्ट लेंथ दिया है कनक्योमीटर के सामने रखा हुआ है ठीक है तो उसका फोकल लेंथ गिवन है कहाँ स्क्रीन रखें तो एग्जैक्टली इमेज शार्प इमेज बने फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज ये क्वेश्चन आप ले आपके लिए है आप इसे सॉल्व करिएगा नहीं आता है तो माई नंबर इज गिवन इन ऑन स्क्रीन यू कैन सेंड मी द मैसेज एंड आई विल रिप्लाई टू यू सेम क्वेश्चन दिस वन ये तो और आसान क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट इज अ प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ टेन सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ सेंटीमीटर फाइंड द पोजिशन एंड नेचर ऑफ द इमेज अगेन वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है सिर्फ डेटा चेंज है क्लियर है सो टूडे आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर एंड आई होप दिस क्वेश्चन विल बी हेल्प इन बोर्ड एग्जामिनेशन क्लियर है सो थैंक यू एवरीवन थैंक